तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तमाम तरह के समीकरणों का ध्यान रखना होगा, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी ने बताया कि किस तरह से वो जो क्षेत्र है वहां के समीकरण क्या बनते हैं, मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं। हमारे एक और सहयोगी धीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, दो उप मुख्यमंत्री भी सामने हैं, यानी तस्वीर आप समझ रहे होंगे। मध्य प्रदेश में अब सरकार वैसी नहीं है जैसी अब 20 सालों से हम देखते आ रहे थे। सरकार में एक परिवर्तन है, नया चेहरा है, नए मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अगर दो चेहरों को शपथ दिलाई गई है, और शपथ ग्रहण में हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, तो एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की धरती से देने की कोशिश हुई है। ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं, चूंकि आप वहां से आते हैं जहां से एक और कद्दावर नेता जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी लिया गया है, समर्थकों ने भी जब मुख्यमंत्री चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक चल रही थी तब बाहर खड़े होकर नारेबाजी भी की, हालांकि जैसे ही नाम तय हुआ वो मोहन यादव के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ मर्यादित तरीके से इस वक्त दिख रहा है, क्या कहेंगे, क्या समीकरण अब बनते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, बदलाव बीजेपी में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, नए मुख्यमंत्री बने हैं। स्वाभाविक है, जब बदलाव होता है, नया कोई चेहरा आता है, तो वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके आगे अच्छा करने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव ने जो कमान संभाली है केंद्रीय नेतृत्व के जरिए, वो काफी मजबूती के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यदि बात की जाए कि महाकौशल क्षेत्र की, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन जिस प्रकार से नरसिंहपुर जिले से प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अजय सांसद रहे हैं, उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सामने आ रहा था और उनके द्वारा काफी मेहनत भी की गई थी। और उसके बाद और भी चेहरे ऐसे हैं, जैसे जिले में ही आप देखें, नरसिंहपुर जिले से सांसद राव उदय प्रताप सिंह 3 बार के सांसद हैं, बढ़िया टॉप 10 लिस्ट में भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मंत्री मंत्री पद में इनकी हिस्सेदारी की ज्यादा संभावना व्यक्त की जा सकती है। अब यदि महाकौशल क्षेत्र के में अब बात करें तो आपके नरसिंहपुर से राकेश सिंह भी एक बड़ा नाम है, सांसद रहे हैं, वो भी अजय सांसद रहे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लेने की संभावना बन सकती है। और जाति समीकरण को सरकार सवाल तीरथ जी श्रीवास्तव जी बिल्कुल चूंकि चूंकि सवाल सवाल तीरथ श्रीवास्तव जी यही है, भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने और नए तमाम दावेदारों की बात कर ले तो संख्या बहुत है। अगर हम 163 में से मंत्री ना बन पाने की चाहत रखने वालों की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो उतने ही निकलेंगे जितने की मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 33 की गुंजाइश रहती है, और ऐसे में संख्या 100 के आसपास हो जाती है मंत्री पद के दावेदारों की, क्योंकि बहुत सारे 3 बार के विधायक हैं। नया प्रयोग, नया चेहरा और संगठन में काम करने वाले लोगों को अगर इस बार अवसर मिला है, चूंकि पड़ोस के अगर राज्य की हम बात कर लें राजस्थान की, तो वहां जो चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, छत्तीसगढ़ का पहले दिन निर्णय हुआ तो लोग चौंके, हालांकि इशारा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे चुके थे कि बड़ा आदमी बनाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव खुद कहते हैं कि मैं तो चौथी लाइन में बैठा हुआ था और जो बैठक है उसमें शामिल था, मेरा नाम एक चमत्कार की बात थी, ये बात उन्होंने कही थी। राजस्थान की बात कर ले तो वहां पहली बार के विधायक हैं, संगठन के पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम उन्होंने किया भजन लाल ने, लेकिन अगर वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार के विधायक को रखा गया है तो संगठन के लिए काम करने वाले लोग मध्य प्रदेश के विधायकों में बहुत सारे हैं जो भले ही पहली बार दूसरी बार विधायक बने हो, तो ऐसे में तमाम नाम सामने हैं। आप बात जबलपुर की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि राकेश सिंह हो और चाहे और भी बहुत सारे नाम हो, बहुत सारे दावेदार जबलपुर से भी निकल कर सामने आते हैं।
जी बिल्कुल, संख्या बहुत बड़ी है बीजेपी के पास, क्योंकि 163 विधायक जीत के आए हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि इस बार 12 मंत्री चुनाव में हारे हैं, तो 6 नए चेहरे जो आए हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे दो को एडजस्ट किया गया है अभी, आप दो विधायक और एक सांसद नरेंद्र तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, राजेंद्र शुक्ल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ऐसे ही तमाम चेहरों को वो साथ बना करने के, 6 चेहरे और हैं, 6 लोग और ऐसे हैं जिनको 12 के बदले 6 को और एडजस्ट किया जा सकता है। तो सतना रीवा से भी वहां पर रीति पाठक का नाम एक कह सकते हैं कि ये इनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, तो हमेशा केंद्रीय नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री का एक अलग ही निर्णय आए हैं, अलग ही उनका प्रयोग रहा है। चाहे वो आप पूर्व के विधान लोकसभा चुनाव को देख लें, चाहे वर्तमान के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें सीएम तय किए हैं तीनों प्रदेशों में, राजस्थान से जैसे भी आपने बताया, छत्तीसगढ़ से बताया, और यहाँ मध्य प्रदेश से, तो निश्चित रूप से जो प्रयोग के तौर पर यहाँ कोई मांगने की स्थिति में कोई नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो भारतीय जनता पार्टी का या केंद्रीय नेतृत्व के फैसले जो आ रहे हो रहे हैं, उसमें सबको ऊपर से ही आदेश आएंगे कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाना है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि निर्देश ऊपर से ही आए हैं कि क्या जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, और ऐसे में वो तमाम बड़े नाम जिन्हें लेकर बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे थे, अब जब मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो उन तमाम नाम, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे रीति पाठक हो, ये जो तमाम चेहरे हैं इन्हें जिम्मेदारी देनी है। और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पिछली सरकार में महत्वपूर्ण थे, या तो चुनाव हार गए हैं, नहीं हारे हैं, अगर चुनाव जीत कर भी आए हैं तो भी उन्हें क्या जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो दावेदारों की और जिम्मेदारों की, बड़े चेहरों की कोई कमी नहीं है। आप भी नजर बनाए रखिएगा क्या सुगबुगाहट होती है आपके अंचल में, हम जरूर जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी तीरज श्रीवास्तव उनसे जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या स्थिति, क्या समीकरण इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में, और खास तौर से उनके अगर अंचल की बात करते हैं तो वहां क्या स्थिति है, कितने दावेदार हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट। धन्यवाद।